फिर हम क्या कह पाएंगे। तो कबीर साहब कहते नहीं, हमको दाता बनाने की तुम फिक्र मत करो, आप स्वयं दाता बनो। दाता नाम देने वाले का, पहले हमें कुछ देओ, वह चीज देओ कि जो आप अपने हृदय को कहते हो, वो हृदय देओ, वो प्रेम देओ, वो भाव देओ कि साहब हम आपके वचन को मानने के लिए तैयार हैं, आपकी हर बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप जो कहेंगे वही हमारा ब्रेक है, और आप जहां कहेंगे वही हमारे चारों हाथ और पैर गाड़ी की तरह रवाना होने के लिए तैयार है। हम सेवा के लिए तैयार हैं, हम इस प्रकार से आपके बताए हुए सुमिरन के लिए तैयार हैं। तब गुरु कुछ दे पाएंगे। पहले दाता शिष भया, तन मन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भये, नाम दियो बगशीस। पाछे दाता गुरु भये, नाम दियो बगशीस। बोल सतगुरुदयाल की। जिसे मैं देख रहा हूं कि आज आपने हमको समय दिया और आप यहां सब इकट्ठे हुए, तो आपने समय देने का त्याग किया। देखिए, ये समय देना भी बड़ा दुर्लभ मानता हूं। कई भक्त ऐसे हैं, गुरुजी हमें समय नहीं है, परंतु हमारी तरफ से 10-11 हजार रुपए आपकी सेवा में भेज देते हैं, पर वो एक शब्द कहते हैं कि समय नहीं है। क्या कहते हैं? समय नहीं है। हाँ, और पैसा तो आप मांगो जितना ही तैयार है। तो मैं समझता हूं जो पैसे देने वाले भक्त वे भी श्रेष्ठ तो है ही, पर आज आपने यहाँ पे समय दिया उससे भी श्रेष्ठ आप हैं। समय दिया ना, समय बहुत महंगा है सजनों। एक श्वास जो जाते फिर वो आवत नहीं, क्यों सोया अचेत हुई कौन भरोसे माही। कौन भरोसे में हम लोग सोते रहते, कितना नींद ले लेते हैं, कितनी बातें कर लेते हैं, वहां पे हमें समय मिल जाता है, और सत्संग में बिरले बिरले कोई समय मिलता है। तो ऐसा नहीं करना, प्रेम देना है, समय देना है, भाव देना है, तभी संत महापुरुष आपको भक्ति बता पाएंगे। एक शब्द गुरुदेव का और जा का अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता और वेदन पावे पार। कितनी सटीक साखी है, एक ही शब्द अगर यहाँ सुना हुआ आपके हृदय में बैठ गया तो आपका यहाँ आना सफल हो गया, और एक भी शब्द नहीं हुआ तो नहीं। एक शब्द गुरुदेव का जहाँ का अनंत विचार, अनंत पोती है, अनंत ग्रंथ है, अनंत विचार है, शब्द एक ही है। सत्य नाम सुमरण करो, राखो दृढ़ विश्वास, भव सागर से जाए तिरो अमर पुरुष के पास। सजनों, कहते हैं हाथी जहां पर अपना पद चिन्ह छोड़ता है उसके चिन्ह में सबके चिन्ह समा जाते। इसी प्रकार से जहां कबीर साहब का नाम है वहां सारी गंगाएं मिल जाती है, सारी नदियां मिल जाती है, क्योंकि वे सत्य के अवतार हैं। मायावी अवतार अलग चीज है, सत्य के अवतार हैं, और वहां सत्य के अवतार सतगुरु कबीर कहते हैं सत्य नाम सुमरण करो और राखो दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास रखना भाई, बिना विश्वास के बात नहीं बनेगी। और विश्वास की चर्चा इतनी नहीं है, एक विश्वास है चोरों पर भी करते हैं, इतना ही गुरु पर करते हो तो कुछ नहीं दिखेगा। विश्वास में जो श्रेणी दी है वो है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास हो, आप जिस भवन में बैठे ना, इस भवन के दो खंभे आपको दिख रहे हैं, इन खंभों में दृढ़ता है,
ऊपर के वजन को लेकर के खड़े हैं। ऐसी आप में भी दृढ़ता हो, दृढ़ता किसके लिए? आप सतनाम का जाप करेंगे पर दुख सुख तो आएगा, और दुख सुख जब आप झेलेंगे नहीं तब विश्वास डिगेगा, और जब विश्वास डिगा तो फिर भक्ति का। इसलिए ऐसा दृढ़ विश्वास करें कि सुख और दुख आए तो भी उससे लड़ें और सत्य नाम का भजन करें। राखो दृढ़ विश्वास, भव सागर से जाय तिरो अमर पुरुष के पास। अमर पुरुष के पास जहाँ आपका अपना निज देश है, जहाँ जन्म और मरण नहीं, जहाँ दिन और रात नहीं, चांद और सूरज नहीं, जहाँ पर अंधेरा नहीं, सदा सदा प्रकाश है, वो आपका सत्य का प्रकाश। जहाँ सत्पुरुष विराजमान है वहाँ का जो प्रकाश है वो आप में पड़ेगा। कब? जब आपका दृढ़ विश्वास होगा, आपका अमर पुरुष अमर लोक आपके ऐनक में दिखेगा, आपकी दृष्टि में दिखेगा। प्रक्रिया है दृढ़ विश्वास की, यानी दृढ़ विश्वास करो। विश्वास कम फल लाए कम, हजूर वचन कहते थे कि बड़ विश्वास, विश्वास जो होना चाहिए वो बड़ले की तरह होना चाहिए। देखो आप बड़ले के वृक्ष को, एक एक साखी में साख में सौ सौ खोपड़े निकलती जाती हैं, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, उसका बोझ सब नीचे अपने आप जड़ पर है, और वहां से भी जड़ छूटती जाती है आगे, फिर भूमि मिली, फिर आगे, फिर भूमि मिली, फिर आगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। उसके पांव मजबूत होने चाहिए, उसकी हिम्मत मजबूत होनी चाहिए। जल्दी उठूं, नाम लेऊं, सुमरण भजन करूं, मेरे में अवगुण दिखे उसे मैं दूर करूं, मेरा मन पापी है हरामी है ये मुझे 84 में ले जाएगा। संत गुरु जो कह रहे हैं इनकी बात सही है। मन को दबाओ, जब तक ये मन दबेगा नहीं तब तक आपको स्थिर नहीं होने देगा। मन अगर दब जाता है सुमिरन से, सत्संग से, भजन से, इसके जैसा अपना मित्र कोई नहीं, और इसके जैसा शत्रु भी कोई नहीं। जिस दिन ये बिगड़ जाए तो फजीती पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर यह मगन होके साहिब के नाम में लग जाए तो फिर क्या पूछो, आपके अंदर प्रेम की लहरें उठेगी और सतोगुण व्याप्त जाएगा, और आप कहेंगे ये तो सब परमात्मा के रूप हैं, ये तो सब मेरे भाई हैं, और सब ये जितनी बहनें बैठी हैं ये सब मेरी माताएं हैं। और आप कहेंगे कि जितने गांव हैं सब हमारे हैं, जितने घर हैं सब हमारे हैं। कहने की बात नहीं, मन में ऐसा भाव आएगा। कब? जब आप के अंदर प्रेम प्रकट होगा। तो सजनों, ऐसा प्रेम होता है, और वो प्रेम एक शब्द में देना है, सत्य में देना है, जहाँ गुरु खड़े हैं उनके स्वरूप में देना है, उनके चरणों में देना है। आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपका हर कार्य सफलता को प्राप्त होगा, आपके सब काम मंगल होंगे। पहले आप मंगल भाव बना लीजिए, भावों को मंगल कर दीजिए। अपने भावों में किसी की गलती नहीं दिखे, किसी का कुभाव कुप्रभाव नहीं पड़े, तब आपके मंगल भाव रहेंगे। देखिए कोई मर जाए ना, उसके घर 12 दिन, 12 दिन उसके घर भोजन नहीं करते श्रेष्ठ जन। क्यों नहीं करते? सुत्तक मानते हैं, कहते हैं उसके घर सुत्तक होता है। मानी बात, सुत्तक होता है। पर जो क्रोध करते हैं उसके घर में तो रोज ही सुत्तक होता है, वहां से सुत्तक जाता ही नहीं है। देख लो, मुर्दा के समान तो उसका चेहरा हो जाता काला जो क्रोध करता है, और सब मर गए हो बस उसको कोई अच्छा नहीं लगता। और वो कैसा वचन बोलता है, कैसी बातें कहता है, उससे इतना वो फैलता है कि उसके घर से सुतक जाता ही नहीं है। भले घर से निकाल दिया तो क्या हुआ, हृदय में तो है सुतक।
काम क्रोध सूतक है, लागे सब जीवों को। सब जीवों में ये लगता है और ये हटेगा कैसे? कबीर साहब का फार्मूला है कि प्रेम से हटेगा। प्रेम करें, प्रीति करें, नाम का सुमिरन करें और थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करें भाई। जल्दीबाजी कोई काम की नहीं है। हर काम में शांति रखे। आप में से कोई भाई बहन है ना, वो बहुत जल्दीबाजी करते हैं। जल्दीबाजी में आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। कभी जल्दीबाजी नहीं करो, बड़ा संतोष से काम करो, धीरज से काम करो, चाहे घर का हो चाहे भक्ति का हो, बड़ा धीरज से काम करो। आपे से वार मत आओ, धीरज में। धीरज की धुनी भी बताई है बाबा जी की, और धीरज जिसके पास है वाह वाह, वो मनुष्य कहीं सफल नहीं होता, असफल नहीं होता। धीरज धरना, गोधन गजधन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। अति लोभ मत करो, संतोषी जीवन बनाओ, तब सुख मिलेगा, भक्ति मिलेगी। साहिब कबीर कहते हैं कि सतगुरु मेरा भृंग स्वरूपी, कीट पकड़ घर लावे, दे घर नाटो शब्द सुनावे, होई भवर उड़ जावे। मैं अपने समान कर लूंगा आपको, आपके श्रद्धा और प्रेम ये मुझे मिले, और आपका जो मन है वो हमारी ओर आए। तो साहेब कभी कहते मैं आपको अपने समान कर लूंगा, आपसे कुछ छिपाऊंगा नहीं, आपको सब कुछ भेद बताऊंगा और आपको काल से अलग भी करूंगा। समय काफी हो रहा है, कुछ भक्त जाने की तैयारी में। मैं फिर अनुरोध करता हूं कि कोई यहाँ बिना प्रसाद कृपय नहीं जावे। अभी भोजन प्रसाद होने वाला है और कुछ ही समय के बाद आपको थोड़ा सा भजन सुनाने के बाद में, आप जो दूर से आए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। हमारे सत्संगी भाई बहन इस व्यवस्था में लग जाएं। मारा सतगुरु साहिब पाई ओ गुरु ज्ञान भांगड़ली, मारा सतगुरु साहिब पाई ओ गुरु